Hello, good morning children. Now continue with exercise 4.5, question number 4. Question number 3 तक complete हो गया है आपका. Now question number 4. In question number 4, what instruction? Write the range of the products and then find the actual product. Okay? Range, यहाँ पे हमें क्या ढूंढनी है? Range ढूंढनी है. Okay? तो first one, 14 multiply by 53. Okay? So actual product तो हमें direct 14 multiply by 53 ये हमें actual product मिल जाएगी इसका multiplication करके, but range of product, okay, क्या ढूंढना है हमें? Range of product. तो range कैसे मिलती है? Range means what? तो जो हम answer आता है यहाँ पे multiplication का, वो answer कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, हमें वो रेंज डिसाइड करनी है. कि जैसे कि ये 53 है तो 10 या 100 के बीच में ही आएगा आंसर. ओके, दिस इज रेंज 10 एंड 100. ओके, सो हियर हाउ टू फाइंड रेंज. तो यहाँ पे देखो 14 मल्टीप्लाई बाय 53 है, तो पहले ये देखो 14, तो 14 विच टू राउंडिंग नंबर के बीच में है? 10 एंड 20. सो फर्स्ट यू टेक 10, ओके, एंड 20. 14 कौन से राउंडिंग के नंबर बीच में है? 10 एंड 20 के बीच में है 14. यस, तो आगे 10 एंड पीछे 20 और 14 बिटवीन नंबर है. यस, इसके टू राउंडिंग है, 10 भी है एंड 20 भी है. ओके, नाउ 53. सो 53 कौन से दो राउंडिंग के बीच का नंबर है? 50 एंड 60. सो यहां लिखेंगे 50 एंड यहां 60. ओके, 14, 10 एंड 20, टू राउंडिंग है 14 का, 10 एंड 20. यस, 53 का 50 एंड 60, क्योंकि 53 50 एंड 60 के बिटवीन में है, बीच में नंबर आया है, तो उसका दो राउंडिंग है, 50 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है. ओके, यहाँ पे हमें रेंज ढूंढनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं कही है, फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं कही है, तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट कही है. तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमें ऐसे दो नंबर लाने होंगे कि जिसके बीच में इसका आंसर होगा एक्चुअल आंसर. सो 14 का 10 एंड 20 लिया, टू राउंडिंग, दोनों राउंडिंग लिया हमने, एंड 53 का भी दोनों राउंडिंग लिया, 50 एंड 60. नाउ मल्टीपल दिस, सो 1 5 ज़ा, क्या करोगे आप? 1 5 ज़ा 5 एंड हाउ मेनी 0? 2 0. सो पीछे लिख दिए 2 0. ओके, हियर आल्सो 2 6 ज़ा, क्या करोगे? 2 6 ज़ा क्या होगा? 12 एंड हाउ मेनी 0? 1 2, तो पीछे 2 0 ऐड कर दिए. तो दिस इज अवर आंसर. तो हमारी रेंज क्या आई? 500 to 1200. क्या रेंज आई हमारी? 500 to 1200. तो ये एक्चुअल आंसर हमारा 500 to 1200 के बीच में आएगा. नाउ एक्चुअल आंसर 3 4 ज़ा 12. ओके, 3 1 ज़ा 3 plus 1 4. नाउ 5 4 ज़ा, बट फर्स्ट 0, 5 4 ज़ा 20, सो 0 इज हियर, 2 ये क्रॉस, सो 5 1 ज़ा 5 plus 2 7. ओके, सो 2 plus 0 4 plus 0 7, सो अवर आंसर इज 742. ओके, सो देखो 500 and 1200 के बीच में आंसर आया हमारा 742. सो दिस इज, ये रेंज है हमारी जो हमने फाइंड आउट की, वो रेंज इस तरह से हमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी और एक्चुअल आंसर ऐसे फाइंड आउट करना है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ए. नाउ आई विल एक्सप्लेन नंबर ई. नाउ आई विल एक्सप्लेन ई, ओनली 2 एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन. ओके, दो ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगी मैं. नाउ ई 41 मल्टीपल बाय 73 है. ओके,
एक्चुअल तो 41 मल्टीप्लाई बाई 73 आप करोगे, बट रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगी? रेंज ऑफ प्रोडक्ट तो फर्स्ट क्या है 41, तो 41 कौन से दो राउंडिंग के बीच का नंबर है? 40 एंड 50, ओके? देन 73 कौन से दो राउंडिंग के बीच का नंबर है? 70 एंड 80, ओके? यस, देखो ये 40 एंड 50 के बीच का नंबर है और ये 70 एंड 80 के बीच का नंबर है, यस, ओके? सो नाउ मल्टीपल दिस, सो 4 7 जा फर्स्ट करेंगे हम, 4 7 जा 28 एंड हाउ मेनी जीरो? 2 0, सो 2800, देन 5 8 जा करेंगे 40 एंड हाउ मेनी जीरो? अगेन 2 0 एंड सो 2800 टू 4000, ये हमारी रेंज आ गई, ओके? दिस इज आवर रेंज. नाउ मल्टीपल दिस, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नाउ 7, सो 10 प्लस 0, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें कुछ नहीं है. एक्चुअल मल्टीप्लिक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उसमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करना है. 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 7 9, 8 प्लस 1 9 2. सो सी 2993 आवर आंसर. Okay, so this is question number 4. So in your notebook, write this whole method, okay? So complete this question number 4 in your notebook. Now I will explain question number 5. In question number 5, take the best estimate, okay? So A, 27 multiplied by 41 is equal to, three options are given, 800, second 1500 and 1200. यहाँ पे क्या कहा है? बेस्ट एस्टिमेट. यहाँ पे एस्टिमेट वर्ड यूज किया है, तो हम कोई भी राउंडिंग नहीं ले सकते, उसकी एस्टिमेट वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये 27 है, तो 27 की एस्टिमेट राउंडिंग क्या होगी? नियरेस्ट राउंडिंग यहाँ पे 7 है, 5 से ज्यादा, तो क्या होगी? 20 और 30, दोनों में से कौन सी होगी? 30, ओके? 30 मल्टीप्लाई बाय 41 है, तो यहाँ 1 है, 5 से लेस है, तो 40 और 50 दोनों में से कौन सी होगी राउंडिंग? 40, बिकॉज यहाँ 5 से लेस है 1, ओके? यहाँ पे प्रॉपर हमें राउंडिंग लेना है, क्योंकि एस्टिमेटेड बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी जो सबसे नियरेस्ट हो वो एस्टिमेट वैल्यू हमें निकालनी है, इसीलिए यहाँ पे हमें प्रॉपर राउंडिंग लेना पड़ेगा. तो 27 का राउंडिंग 30 होगा, 41 का 40, तो आंसर क्या आता है अभी फाइंड आउट करते हम. 3 4 जा 12 एंड हाउ मेनी 0 2 0, सो 1200 आवर आंसर. तो हियर 800 1500 1200, व्हिच इज द राइट आंसर? This is 1200. Tick the 1200. यहाँ पे actual answer हमें नहीं दिए है, estimated answer दिया है, तो वो हमें find out करना है. Now B. B में क्या है? 58 multiply by 9. So 450. Then next 540 and 600, ओके? सो 58 का राउंडिंग क्या होगा? 60 एंड 9 का 0 और 10 दोनों में से, तो 9 5 से ज्यादा, तो 10, सो 6 1 जा 6 एंड हाउ मेनी 0? 2 0, तो आवर आंसर इज 600, ओके? तो टिक द 600, ओके? यहाँ पे एक्चुअल डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया है, आपको एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है और उसका मल्टीप्लीकेशन आंसर लाना है, और वो आंसर इसमें से जो राइट है वो टिक करना है, ओके? अंडरस्टूड? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सो कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो इन योर नोटबुक. सो नाउ हियर एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीटेड, सो
होल एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट इन योर नोटबुक. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.